चलो भाई, लास्ट अपडेट जो आया है रियलमी यूएल का, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गया है, पूरा फ़ोन चेंज हो गया है। नोटिफिकेशन बार या कुछ भी ले लें, सारा कुछ रियलमी 3 के जैसा हो गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है कैमरा। ये जी हाँ दोस्तों, मेरे पास भी रियलमी यूएल ही है और मैं इससे ही अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसमें जो मैं पहले यूज़ करता था तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर्स आते थे कैमरे में। तो मैं आपको बता दूँ क्या चेंजेस हुए हैं। पहले जो था कि आप वीडियो में ही ब्यूटी लगा सकते थे, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें ब्यूटी लगा सकते थे और अपने फेस को बहुत ही अट्रैक्टिव अच्छा बना सकते थे। अब वो फीचर हट गया, तो मैं बात करने वाला हूँ रियलमी यूएल के कैमरे सॉल्यूशन के। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन आ जाएगी, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी न्यू वीडियो से मिस ना होने पाए। मेरा नाम है सुख और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आप इसकी होम स्क्रीन देख रहे हैं, बिल्कुल रियलमी 3 जैसा है। और इसमें क्या नया एप्लीकेशन है मैं आपको बता दूं, ये जो थीम स्टोर का ऐप है ये नया है। ये अच्छी बात है कि अब इसमें आप अलग अलग तरह के थीम लगा सकते हैं। और भी कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन नया है, उन पर बाद में चर्चा करते हैं किसी अन्य वीडियो में। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, कैमरे की। तो यहाँ पर कैमरा मैंने ओपन कर लिया, फ्रंट कैमरे से स्टार्ट करते हैं। तो इस पर आप कैसे अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए फ़ोटो के ऑप्शन पर। पहले सारे ऑप्शन यहीं आते थे, अब अंडर 3 लाइंस के ऑप्शन आते हैं। बैक कैमरा के अंडर 3 लाइन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं नाइट स्कैमर पैनो एक्सपर्ट टाइमलेस स्लो मोशन। स्लो मोशन का मतलब है आप स्लो मोशन में वीडियो शूट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपने बैक कैमरे पे, सॉरी फ्रंट कैमरे पे। ये आ गए फ्रंट कैमरे में और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ब्यूटी का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद स्मूथन पर क्लिक करना है और आपको इतनी ब्यूटी दे देनी है 60+। उसके बाद आपको सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए अब एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने फोटो सेलेक्ट कर ली है, बेटर क्वालिटी नहीं है उतनी जैसे पहले आती थी। तो आपको क्या करना है, इस एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये जो एडिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है ऑटो इमेज पर, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा जितना होना चाहिए। अगर आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने इसे सेटिंग कर सकते हैं, मैनुअली आप इसे सेटिंग करके इसे सेव कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर सेव हो गई। अगर आपको ब्यूटी अच्छी नहीं लग रही है तो आप यहाँ पर ब्यूटी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वन टैप स्मूथ पर क्लिक कीजिए, आप जितनी चाहे ब्यूटी लगा सकते हैं अंदर से भी। तो ये तो बात हो गई फ्रंट कैमरे की, यानी कि आपको ओरिजिनल फ़ोटो ऐसे ही लेनी होगी, बेकार वाली नहीं, कैमरे की वैसे भी बैंड बच चुकी है, आपको ओरिजिनल फ़ोटो ऐसे ही लेनी होगी। आपको यहाँ पर कुछ 2-4-5 सेकेंड टाइम देकर फ़ोटो को एडिट करके सही करना होगा। तो आप देख सकते हैं क्या डिफरेंट है, काफ़ी अच्छा डिफरेंट है, काफ़ी अच्छा क्या बहुत सारा डिफरेंट है। तो अब तो ये पहले जैसी फ़ोटो आने लग गई सेल्फी। अब बात करते हैं बैक कैमरे की। सो गाइस, अब बात करते हैं पीछे के कैमरे से क्लिक की गई फ़ोटो पर ब्यूटी कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है। क्लिक करने से पहले आपको ध्यान में रखना है जो क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन है ये ऑन है कि नहीं। देखिए अब लिख कर आ गया क्रोमा बूस्ट इज ऑन, और जब ऑफ होगा तो ये वाइट कलर होगा और क्रोमा बूस्ट इज ऑफ, तो इसे ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको एक फ़ोटो क्लिक करना है। तो चलिए एक फ़ोटो मैं क्लिक कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने एक फ़ोटो क्लिक कर ली है जो कि ऐसी आई है, बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी नहीं है, इसको पहले जैसे कैमरे में आती थी उस जैसे नहीं आए हैं। इसको वैसा बनाने के लिए आपको एडिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है ऑटो, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से ऑटोमेटिक जितना चाहिए उतना ले लेगा, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप यहाँ से मैनुअली कम ज़्यादा करके इसे सेव कर सकते हैं। सेव कर लीजिए, इतना ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके फ़ोटो जब अच्छी होगी तो बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी हो गई है फ़ोटो की। ये फ़ोटो देखिए और ये देखिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।